सरमथुरा उपखंड में टाइगर के लिए प्रसिद्ध गिरौनिया गांव में जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने गांव का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने उपवन संरक्षक सामाजिक बानगीकरण सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि टाइगर की हलचल देखने के लिए वहां पर पॉइंट बनाया जाए तथा रेस्ट रूम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे वहां पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। सरमथुरा से 12 किलोमीटर दूर दमोह जलप्रपात का सौंदर्य अनुपम है। पत्थर की चट्टानों से बहता पानी 200 फीट ऊंचाई से अविरल गिरता है। इस सुंदर अनुपम दृश्य को देखने के लिए जिला कलेक्टर नेहा गिरी दमोह झरने का अवलोकन करने पहुंची। अवलोकन करने के दौरान उन्होंने झरने के पॉइंट तक पहुंचने के लिए ग्रेवल सड़क के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झरने तक जाने वाले रास्ते में सांकेतक बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप वनरक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि झरने के स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। इस जल प्रपात को और अधिक विकसित किया जाए, जिससे यह आकर्षण का केंद्र बन सके और जिले को पहचान मिल सके। इसके लिए इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से कहा कि झरने को देखने आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा कोई उत्पात नहीं मचाया जा सके। इस दौरान वृत्त अधिकारी सरमथुरा भूपेंद्र सिंह, तहसीलदार सरमथुरा अलका श्रीवास्तव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उप वनरक्षक धौलपुर के आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे वन महोत्सव के फलस्वरूप रेंजबाड़ी के अंतर्गत बनपाल नाका बसेरी में स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल बसेरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के परिसर में स्कूल के बच्चों, अतिथियों, शिक्षकों तथा वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर बड़, पीपल, करंज, मोंगरा, आम तथा नीम के पौधे लगाए गए। मौके पर पंचायत समिति बसेरी के प्रधान लाखन सिंह खिरोड़ा, विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल यादव, बनपाल गुलाब सिंह, पवन शर्मा, पुष्पा कुमारी, बनवारी सूर्यदार, बाबूलाल राम प्रकाश, निरोती आदि वन कर्मियों के साथ विद्यालय का समस्त स्टाफ तथा बच्चे उपस्थित थे। आदरणीय डीएफ साहब द्वारा पूरे जिले भर में 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जो सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम का एक आज भाग रखा गया है। यहाँ रेंजबाड़ी के अंतर्गत बसेड़ी या मॉडर्न स्कूल में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे बसेड़ी पंचायत समिति के प्रधान जी, प्रधान महोदय, विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, संपूर्ण वन विभाग स्टाफ तथा विद्यालय का सभी स्टाफ ने यहाँ पर पौधारोपण किया है। कई तरह के यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं और वृक्षारोपण कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए यहाँ पर आज हम सब ने, पूरे संपूर्ण स्टाफ ने मिलकर यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। और इसी की उपलक्षता को देखते हुए सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस बरसात के सीजन में आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यही कहना चाहेंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बहुत ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से बचाने के लिए सभी, पूरे जिले भर के लोगों से, सभी से यही अपील करना चाहेंगे, वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी निभाए। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के गांव खोपला में बीती रात पनीर की सब्जी खाने से 4 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे बीमार हो गए। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की अधिक तबीयत खराब होने पर लोगों ने बाड़ी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरमथुरा थाना इलाके के गांव खोखला में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी काशीराम मीणा के घर भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि खाने में पनीर की सब्जी को सुबह ही हलवाई ने बनाकर रख दिया था। अधिक गर्मी होने के कारण पनीर की सब्जी ने विषाक्त रूप ले लिए। शाम को भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी मेहमान और ग्रामीणों को पंगत में सब्जी परोस दी गई। ग्रामीणों के खाने के कुछ समय बाद ही पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने निजी साधनों द्वारा मरीजों को बाड़ी सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचने लगे। गांव में करीब 4 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम भी गांव पहुंच गई। टीम द्वारा गांव में उपचार किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीजों का बाड़ी राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि बाड़ी अस्पताल में 3 बच्चे भर्ती हुए हैं। बाड़ी पीएमओ डॉक्टर मेजीराम जी ने हमको तुरंत सूचना दी कि 3 बच्चे खोखला से आए हैं और ऐसा बता रहे हैं कि 2 दिन पहले हुई कोई पार्टी में भोजन किया है, तो उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया है। 2 टीमें हमने खोखला भेज दी है और पानी के पीने के सोर्सों का और पूरी तरीके से मौसम बीमारियों का नियंत्रण के हिसाब से सारी व्यवस्था कर रहे हैं।
जो मरीज यहाँ भर्ती हैं इस समय 8 बच्चे हैं, 3 बड़े हैं और सबको देख लिया, सभी स्थिर हैं और चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। आगे का भी कार्यक्रम चालू है, आगे का भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। खोखला में 2 टीम और खुदवा कैंप किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हर व्यक्ति स्थिति पर नजर है, कोई किसी तरह का कोई नुकसान कैजुअलिटी नहीं है और हम हर स्थिति पर नजर रखें, पूरा व्यवस्था करेंगे, पूरा उपचार करेंगे सभी को। धौलपुर शहर सहित जिले भर में पिछले 2 दिनों से व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रही बच्चा चोरी गैंग की अफवाहों के बीच शनिवार को धौलपुर जिले में सनसनी फैल गई। बच्चा चोरी की गैंग के शहर में अलग अलग जगह पहुंच जाने की अफवाह के चलते स्कूल में पढ़ रहे मासूमों को लेने उनके अभिभावक स्कूल पहुंच गए। इसी बीच पुराना शहर स्थित महात्मा नंद की बगीचे के पास एक महिला द्वारा बच्चा चुरा कर ले जाने की सूचना मिली, जहां स्थानीय लोगों ने बच्चा चुराने के शक में महिला को पकड़कर टाउन चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। महिला ने पुलिस को पूछताछ में बार बार गलत नाम पते बताए, जिसके बाद महिला को कोतवाली लाया गया, जहां पूछताछ में महिला ने उसकी शादी निहालगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक अधीर के साथ होना बताया, जिस पर कोतवाली और निहालगंज थाने की पुलिस ने महिला के पति को घर से बुलाकर पूछताछ की, जिस पूछताछ में अधीर पति ने महिला को बाड़ी में उसके मामा के घर के बगल में रह रही 2 दलालों मोहन और सायरा के जरिए 2 लाख रुपए में आगरा के 13 गांव के युवक पप्पू नाई से खरीदकर शादी करने की बात स्वीकार की। 2 लाख रुपए में शादी किए जाने की बात पर पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो महिला ने अपना नाम वंदना निवासी मनसुख पूरा अम्बा थाना मुरैना MP का होना बताया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिला ने बताया कि शादी के बाद गैंग के इशारे पर वह अपने पति को सोता हुआ छोड़कर भाग रही थी, जिसे बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला की खरीद परोक्त और शादी बाड़ी क्षेत्र में होने की दुल्हन रूपी ठग महिला का अधेर पति शिकायत को लेकर बाड़ी थाने पहुंचा है, जहां पुलिस मामले की जांच करेगी। हां सर, क्या मामला? सुबह करीब 12:20 पर अपने महात्मा गांधी बगीचे से फोन आया था कि एक महिला बच्चे को पकड़ के ले जा रही, जिसको पकड़ लिया है। गुप्त सूचना पर मैं मौके पहुंचा, उस महिला को वहाँ पब्लिक में पकड़ रखा था, जिसको मैं चौक को ले गया। बाद में उस महिला से पूछताछ की तो वो अपने नाम पते बार बार बदल बदल के बता दी थी, जिसे बाद में थाने पर ले गए। थाने पर उससे गहनता से पूछताछ की तो अभी प्राथमिक तौर पर ये बात निकल गया है कि उसका नाम काजल उर्फ वंदना, पुत्री धर्म सिंह, जाति तोमर ठाकुर, उम्र करीब 20 साल, जो मनसुखपुरा थाना मनसुखपुरा अम्बा मुरैना की रहने वाली है। इसने धौलपुर में एक सेठ है, उसे मदन क्या नाम है उसका, उसे कोई शादी करनी थी और शादी की एवज में उससे 2 लाख रुपए लिए। इसमें जो शादी कराने वाली जो गैंग है उसमें नाम निकल के आया है, एक तो पप्पू शर्मा है, एक मोहन है और एक कोई सायरा वाइफ ऑफ भूरा मुसलमान बाड़ी के हैं। इन लोगों ने बाड़ी में ही पैसे लिए और बाड़ी में ही इस लड़के से शादी कराई थी, जो नारगंज क्षेत्र का रहने वाला है, जिनके बारे में जो प्रारंभिक जांच पर यह मामला पाया गया, बाड़ी का मामला है। इस औरत और इसके गिरोह ने बाड़ी में उससे 2 लाख रुपये लेकर के और शादी का षडयंत्र रचा और बाद में पैसे और हड़पने के लिए से उसे धमकी दे रही थी और आज उसके घर से बिना कुछ बताए घर से निकल गई, जिसकी वो तलाश कर रहा था और इस दौरान पब्लिक द्वारा इसको पकड़ लिया। ये पूरा सुनिश्चित होता है, उन्होंने बाड़ी का मामला पाया गया। महिला को बाड़ी थाने में, हाँ, महिला एवं जो उसका पति है, काल्पनिक पति, उसको दोनों को बाड़ी पुलिस के हवाले करके बाड़ी रवाना कर। धौलपुर जिले की सैपू थाना पुलिस और मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी का दोहन करते हुए बजरी से भरे हुए 1 दर्जन ट्रकों को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 5 बजरी माफियाओं को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सैपू थाना SHO रामकेश मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा के निर्देशन में बदमाशों और बजरी माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सैपू थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि NH 123 पर सालेपुर गांव के पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी का अवैध दोहन करते हुए ट्रक जा रहे हैं।
पुलिस ने मुखबर की सूचना पर टीम गठित कर हाईवे पर जाल बिछाया। पुलिस ने धौलपुर की तरफ से आ रहे 5 ट्रकों को रोककर तलाशी ली तो उनमें चम्मल बजरी भरी हुई थी। पुलिस ने मौके से सभी ट्रकों के चालकों को हिरासत में ले लिया। वहीं सभी गाड़ियों को पुलिस थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। वहीं मनिया थाना पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 60 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने आगामी कार्रवाई के लिए वन विभाग और परिवहन विभाग को भी सूचित कर दिया है। पुलिस ने बजरी माफियाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल सैपो पुलिस द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि धौलपुर से और चंबल धौलपुर से भरतपुर की तरफ चंबल रेता का अवैध परिवहन हो रहा है, और इस सूचना की तस्दीक के लिए मैं और मेरे साथ जो जाता है उस पूरे जाता को ले जा करके और हाईवे पर नाकाबंदी की गई और प्रत्येक व्हीकल को चेक किया गया। उसी दौरान 4-5 ट्रक जो मुझे संदिग्ध प्रतीत हुए उनको चेक किया तो उनमें मुझे पाया गया कि इसमें चंबल का जो रेता भरा हुआ है। तो इसके लिए मैंने मौके पर उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया, जो परिवहन विभाग धौलपुर और वन विभाग धौलपुर को उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। जो आएगी तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, और जो 5 ट्रक है उनको लिया है थाने परिसर में खड़ा किया गया सुरक्षा, और जो उनके जो चालक है 5 उनको भी थाने परिसर हिरासत में लिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गेंदा बाबा आश्रम से हिंडौन सिटी के पालका गांव भंडारे में शामिल होने जा रहे साधुओं से भरी जीप स्टीयरिंग फेल होने से अतरचुमा गांव के पास सड़क से नीचे गड्ढों में पलट गई। दर्दनाक हादसे में आधा दर्जन से अधिक साधु घायल हो गए। हादसे को देख स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सभी घायलों को बसेड़ी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना इलाके के गेंदा बाबा आश्रम से करीब एक दर्जन साधु बाबा एक जीप में सवार होकर हिंडौन सिटी के गांव पावका में भंडारे में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन अतरसुमा गांव के पास चलती हुई जीप की तेज रफ्तार में स्टीयरिंग काम करना छोड़ गई, जिससे जीप गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर नीचे गहरे गड्ढों में पलट गई। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने जीप को सीधी कर सभी साधुओं को बाहर निकाला। लोगों ने बसेड़ी पुलिस को सूचित कर सभी साधुओं को बसेड़ी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां साधु लक्ष्मण गिरी, राम खिलाड़ी गिरी, रामगिरी, श्रीगिरी, राजेंद्र गिरी, सेवागिरी आदि की गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभी साधुओं का जिला अस्पताल की ट्रोमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। दो साधुओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। शाम करीब 7 बजे एक जीप जिसमें कि करीब 11 साधु मौजूद थे, गेंदा बाबा से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में स्टीयरिंग फेल होने की वजह से जीप पलट गई और सभी साधु जो घायल हो गए हैं। 2-3 साधुओं की स्थिति गंभीर है, इनका ट्रीटमेंट जारी है। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले पीड़ित राजेश कुमार ने निहालगंज थाने में एटीएम बदलकर पैसे की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर निहालगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निहालगंज पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित राजेश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि 1 अगस्त को शाम 7 बजे वह जगदीश तिराया स्थित एटीएम से पैसे निकालने गया था, जहां एसबीआई के एटीएम में पहले से मौजूद 2 युवक एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि दोनों युवकों ने उससे एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकालने की बात कही, जिस पर उसने एटीएम युवकों को दे दिया। पीड़ित के मुताबिक इसी दौरान दोनों युवक बिना पैसे निकाले उसका एटीएम बदलकर साथ ले गए, जिसके बदले में उसे सागर नाम के युवक का एटीएम थमा गए। पीड़ित के मुताबिक दोनों युवकों ने उसके एटीएम से 98,398 रुपए निकाल लिए, जिसका पता मोबाइल पर मैसेज आने के बाद पता चला। मामले में पीड़ित ने बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकाला तो उसे आखिरी में 9,000 रुपए दूसरे बैंक अकाउंट में डाले जाने की सूचना मिली, जिसकी जानकारी बैंक ने देते हुए दूसरा खाता मुरैना मध्य प्रदेश के युवक का होना बताया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। निहालगंज थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उस अकाउंट के मालिक का पता लगाया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोटरी क्लब धौलपुर एवं JNU संस्थान जयपुर की ओर से 4 अगस्त को ABM कॉन्वेंट स्कूल घंटाघर रोड धौलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगाया जाएगा। शिविर में जयपुर के चिकित्सकों द्वारा लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं जाँच की जाएगी।
220 केवी जीएसएस धौलपुर पर मरम्मत व रख रखाव का कार्य होने के कारण 5 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता एसएस मीणा ने बताया कि दरियापुर फीडर के उमेरी नगर सकतपुरा गरमा महाराजा कोल्ड स्टोर ओड़ेला तगावली ट्रीटमेंट प्लांट पालीवाल बेरी में 5 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी प्रकार बसंगांग फीडर में 5 अगस्त को 2 बजे से 4 बजे तक तथा सैपो फीडर के बसई नवाब करीमपुर खरानी खेड़ा आदि फीडरों में 5 अगस्त को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। के बाड़ी कस्बे के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के द्वारा जन जागृति हेतु शिविर का आयोजन महिला अधिकारिता विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की कार्यकारी संस्था विद्याजन जागरण संस्थान की ओर से महिला उत्पीड़न रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार हेतु जन जागृति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में संस्था अध्यक्ष सुधा अग्रवाल ने कहा कि महिला शिक्षित और सशक्त बनकर उनके लिए बने कानून की जानकारी को प्राप्त कर व्यापक प्रचार प्रसार करें। समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने की आवश्यकता है। केंद्र की परामर्शदाता रेणु कुमारी द्वारा महिलाओं को भिन्न भिन्न तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए कानून में उल्लेखित कानूनी धाराएं एवं एक्ट के प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर शिल्पा अग्रवाल ने सहायता केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में छात्राओं को विस्तार से बताया और कहा कि केंद्र के द्वारा महिलाओं को कानूनी विधिक मेडिकल मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही पुलिस सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। शिविर में विद्यालय के अध्यापकगण के साथ साथ विद्यालय की बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।